सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, ये है हमारे पास आज 20KD का मॉनिटर HP का। आपको इसे अनबॉक्सिंग करने में कैसा लगेगा, देखने में कैसा लगेगा, ज़रूर बताइएगा। अगर आप जानना चाहते हैं इसका प्राइस तो मैं बता देता हूँ ये कितने रुपीज़ में आते हैं। तो मैंने अभी जब बाय किया था तो ये 5400 रुपये यानी 5400 रुपये पड़ा था। भैया लॉकडाउन में इनसे परचेज़ किया था और अमेजोन पे भी इतना ही इसका जो प्राइस था, रेट था, इतना ही था। तो मैंने इसे ले लिया, जब ऑनलाइन ऑफलाइन सेम मिल रहे थे ले लिया। ऐसे ऑफलाइन में कम मिलता है बट मैंने ले लिया। यहाँ पे देख सकते हैं एक ये पावर केबल मिला है हमें इसमें, और कुछ यहाँ पे अब डिस्प्ले को आपको निकालना होगा। साथ में एक इसमें आपको HDMI केबल दिया जाता है जिससे के द्वारा आपका फिगर जो है साफ आएगा। अगर आप पुराने वाले HDMI केबल को इसमें लगाते हैं तो साफ से पिक्चर नहीं दे पाएगा ये। तो कृपया करके जो इसके साथ इंक्लूडेड HDMI रहता है ना उसे ही आप लगाएं, ठीक है। तो मैं चलिए इसे बाहर निकाल लेता हूं और कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसको आपको सेट करना होता है। तो गाइस, आपने अगर ऐसा ले लिया है 5400 रुपये का ये HP मोनीटर 20KD का, अगर आप सोच रहे हैं कि TV में इसे यूज करें तो TV में भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको एक HDMI जो होता है बॉक्स खरीदना पड़ेगा, छोटा सा मिलता है, वो लगभग आपको 350 रुपये तक में आ जाएगा। और उसे इंक्लूड करके आप TV का भी आनंद इसमें ले सकते हैं। बट उससे पहले हम देख लेते हैं इसका सेटअप कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसका जो ऊपर में ब्रैप है वो हटा लेंगे। ये एक CD है जो कि सॉफ्टवेयर है। अगर इसे आपका CPU में DVD है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए, इससे ग्राफिक्स काफ़ी तगड़ा मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। तो मैं इस कैसेट को या फिर DVD को, जो भी आप कहें, हटा लेता हूं। और ये कुछ हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पर्चा में, तो पर्चा को पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, वरना रिसिप्ट को साइड में रख लीजिए। अब इसके साथ जो आता है ये वाला फ़िलिप्स आता है, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है कि आपको कैसे सेट करना है। ये पेज के साथ देता है आगे में ही कि आपको कैसे सेट करना है। यहाँ पर कोई भी इसे ईजी है, क्यूक सेटअप है, आप आसानी से सेट कर पाओगे। कुछ नहीं करना है, सिंपली से इस पेपर को, ब्रैप को पहले हटा लेना है और इस जो इसका ये वाला है इसे आपको लगा देना है। सिंपली से रखना है, ये अपने आप पुट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैंने इसमें रख लिया और ये पुट हो चुका है। अब इसे आपको क्या करना है कि इसके ऊपर ये लगा देना है। देख सकते हैं क्यूक स्टेप था और ये 2-3 सेकेंड में लग चुका है। इसे आपको क्या करना है, अब इसे आपको टेबल पर रखना है और HDMI केबल को लगा लेना है। तो सबसे पहले हम HDMI केबल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इसे खड़ा कर दीजिएगा तो HDMI केबल लगाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। इसलिए इसे ओपन में ही आप HDMI केबल को पुट कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आपको HDMI दिख रहा है पोर्ट, वहाँ पे आपको इसे लगाना है। तो यहाँ पे लगाने के बाद आपको 2 की दिए जाएंगे लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों को आपको प्रेस करके थोड़ा रोल करना है और इसे आपको इसमें लगा लेना है। तो गैस मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब मैं इसे करता हूँ इसे स्टैंड अप, और थोड़ा सा अगर आप इसको टाइट करना चाहते हैं तो स्क्रू ड्राइवर से भी टाइट कर सकते हैं, बट ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा। यहाँ पे HDMI केबल की जो क्वालिटी है बिगड़ भी सकती है या फिर बाहर भी आ सकता है। ऐसा मेरा CPU में हुआ था, HDMI केबल पोर्ट पूरा बाहर आ चुका था, ठीक है। यहाँ पे ये पावर कोड है। अब इसमें आपको पावर कोड जो लगा लेना है, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा पावर कोड का, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पावर कोड लगाना है और पावर कोड जैसे ही लगा लेते हैं आप तो इसमें आपको आउटपुट ये निकलता है और इसमें आपको लाइन लगाना है। तो सबसे पहले अगर आप इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो इन्वर्टर पर ही आप इसे लगाएँ, क्योंकि ये सब होता है थोड़ा महंगा और थोड़ा सस्ता, जो भी है सामान होता है, ठीक है। अब मैं इसे सिंपली से क्या करता हूँ, मैं अपना CPU से कर लेता हूँ कनेक्ट। करने के लिए आपको क्या करना है, HDMI केबल को पोर्ट करना है और जो पावर केबल को है आपको प्लग में खोज देना है। चलिए मैं ब्रैप को निकाल ही देता हूँ। अब स्क्रीन को आप देख सकते हैं कैसा लगता है। सो गाइस, मोबाइल की उतना कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक नहीं है तो उतना साफ यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे हम। तो जो भी आपको देखने को मिलता है आप देख सकते हैं इसका अनबॉक्सिंग और इसका जो भी आपको देखने को मिल रहा है कैसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए आपको CPU में यहाँ पे HDMI केबल दिखाने देखने को मिलेगा। ये HDMI केबल यहाँ पे आपको लगा लेना है। ये एक HDMI पोर्ट मेरा में और है, वो है ग्राफिक्स कार्ड यानी गेमिंग के लिए। तो आप जब गेम खेलते हो तब उसमें आपको HDMI लगा लेना है, या फिर ग्राफिक्स कार्ड के लिए एक अलग से आपको मॉनिटर रखना है उसमें आपको HDMI केबल पोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है। अब देखेंगे इसका जो सोल्यूशन है कैसा दिखाई देता है।
और इसका जो टेक्सचर है कैसा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, अपना सीपीयू को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए क्या करना होगा, आपको पावर इसमें देना होगा। पावर देने के लिए आप बिजली से कनेक्ट करें, वायर से कनेक्ट कर लें। तो गैस मैंने वायर से कनेक्ट कर लिया और मैंने इसे ओपन भी कर लिया है। तो कैमरा की क्वालिटी के कारण यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला देखने को मिलेगा, बट ये जो है ना 20KD का मॉनिटर फुल 4K HD क्वालिटी पे देता है, यानी 4K क्वालिटी में देता है। HD तो हो गया, उसके बाद फुल HD आता है 1080p का, उसके बाद आता है 1060p का 4K। मतलब 4K वीडियो इसमें आप आसानी से चला सकते हो। और इसका जो रिफ्रेश हर्ट है 60Hz है, यानी ज़्यादा नहीं है 60Hz। अब मोबाइल में 120Hz आने लगे हैं। तो वैसे यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो चुका है, और बाकी सारा जो सेटअप है आप देख लीजिएगा। और थोड़ा यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन आपको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे ट्रैफिक की नॉइस बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करने पर भी नॉइस आती रहती है। सो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए अगर आपने अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा रखे हैं तो पासवर्ड को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना होगा, यानी कि डालना होगा, उसके बाद ये ओपन हो पाएगा। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज किया हूँ। ठीक है, अब इसे मैं आगे थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, देखता हूँ डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है और बाकी सारा चीज़ कैसा है। सो गाइस चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले का लुक कुछ इस तरह की से दिख रहा है। मैं ये 12MP का कैमरा से ओप्पो के मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा क्वालिटी में डिफरेंस आ सकता है, बट आप देख सकते हैं थोड़ा ठीक ठाक ही दिख रहा है। यहाँ विंडोज 10 इंस्टॉलेड है हमारे कंप्यूटर में, आप देख सकते हैं विंडोज 10 ओपन हो चुका है। बाकी जो वीडियो मिलेगी आपको वीडियो की वॉइस में ही मिलेगी, अब कोई भी वॉइस आपको यहाँ पर कवर मत नहीं मिलेगा। ठीक है, सो गाइस आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपको सवाल पूछना है कमेंट में।